हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है। आज एक बिल्कुल नए टॉपिक को लेकर मैं आ गया हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के आगे से ये लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है और ब्लड क्लॉटिंग में हम आज जानेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग की क्या एक्चुअल मैकेनिज़्म होती है और सारा कुछ इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैं जब आपको ये पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा आज, तो उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम में लगा ले जाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो जनरली क्या होता है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है हमारे ब्लड का जम जाना, उसका थक्का बन जाना। ठीक है ना? और ऐसा कब होता है? जब हमें कभी चोट लगती है, जब कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हमारी उंगली या फिर कहीं से भी हमें कोई घाव हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है, तो वो ब्लड आप देखते हो कि कुछ वक्त में, कुछ मिनटों में धीरे धीरे करके आप देखते हो कि वो ब्लड जो है जम जाता है, अपने से ही, खुद से ही वो क्या हो जाता है, जम जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग, या ब्लड का क्लॉट बन जाना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना। लेकिन बेटा, जब तक ब्लड हमारी बॉडी के अंदर रहता है, जब तक ब्लड हमारी बॉडी के अंदर रहता है, तब तक ब्लड क्लॉट नहीं होता, तब तक वो बिल्कुल फ्लूड होता है, तरल होता है, वो बिल्कुल जमता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं, जो कि क्लॉटिंग को रोकते हैं। जैसे हिपेरिन नाम की प्रोटीन हो गई, जो लीवर में बनती है, ब्लड के प्लाज्मा में रहती है। पढ़ाया है मैंने आपको, हिपेरिन का नाम बताया है कि नहीं? तो हिपेरिन क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए, ब्लड तो हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, जब जाएगा तो सर्कुलेशन रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है किसी रीज़न से, चोट लगने की वजह से या किसी भी वजह से, तो ब्लड हमारी बॉडी के बाहर आते ही जो है कुछ मिनटों में, 8 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट में अमूमन क्या होता है, ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। सब इंसान का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है, सबका थोड़ा अलग अलग वैरी करता है, लेकिन अगर यूजली बोला जाए तो दो मिनट से लेकर 8 मिनट के बीच में, 2 से 8 मिनट का एक रेंज है। किसी का 2 ही मिनट में जम जाता है, किसी का 5 मिनट में जमता है, किसी का 8 मिनट में जमता है। तो एक यूजुअल जो क्लॉटिंग टाइम है वो 2 to 8 मिनट हम मानते हैं। ठीक है ना बेटा? तो जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो घायल हो जाती हैं, वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, इंजर्ड हो जाती हैं और वो टूट जाती हैं। उनके टूटने से, फटने से क्या होता है, उनके अंदर भरा हुआ जो ब्लड होता है वो निकल कर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ओवरऑल ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, इसको हम लोग आज समझेंगे। चलिए, आप हिंट डाल लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का जमना, रुधिर स्कंदन। ठीक है ना? अच्छा, तो हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी भाषा में हम इसको बोलते हैं रुधिर स्कंदन, स्कंदन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, रुधिर स्कंदन। ठीक, अच्छा, चलिए देखिए बेटा, जब भी ब्लड वेसल्स, जब भी ब्लड वेसल्स इंजर्ड मतलब घायल होती हैं, या फिर क्या होती हैं, डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त होती हैं, टूटेंगी फूटेंगी, जब भी ब्लड वेसल्स इंजर्ड या डैमेज्ड होती हैं, डैमेज्ड होती हैं, तो ब्लड बहना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, खून निकलना चालू हो जाएगा ना, तो ब्लड बहना चालू हो जाता है। ठीक है, देखिए, जब भी ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती हैं या डैमेज होती हैं तो ब्लड बहना हमारी बॉडी से चालू हो जाता है। इस बहते हुए ब्लड को रोकना ही क्या कहलाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। इस बहते हुए ब्लड को रोकना ही ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। चलिए, बहते हुए ब्लड को रोकना ही क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। ठीक है, अब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग
नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 2 से 8, 2 to 8 मिनट, 2 से 8 मिनट, ठीक है ना। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, 2 से 8 मिनट होता है, ठीक है। चल इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम 2 से 8 मिनट होता है, ठीक है ना। नोट, आपने एक जेनेटिक डिजीज़ का नाम सुना होगा बेटा, एक अनुवांशिक रोग होता है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, पढ़ा है कभी जेनेटिक्स में, आप पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिज़ीज़ है, वह जेनेटिक डिजीज़ है, उसमें क्या होता है, जिस पर्सन को हीमोफीलिया हो जाती है उसके अंदर ये जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है ये नहीं होता, मतलब खून जमना, खून जम नहीं पाता है, खून जमने का प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो ऐसे आदमी अगर कभी उनकी ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाएंगी या उनको चोट लग जाएगी और उनकी ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड बॉडी में से बाहर आ जाएगा, तो वो कंटिन्यूसली बहता रहेगा और रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं, और इससे क्या होगी, उस इंसान की डेथ भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया वाली कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इवन कब नहीं होती है, जब होना चाहिए, जब शरीर से ब्लड बाहर आता है तब ब्लड को रुकना है, ब्लड को जमना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए जो इंसान है वो उसमें कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है और ब्लड क्लॉट नहीं होता, जिससे उस इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो नोट में लिखिए, हीमोफीलिया। अच्छा, हीमोफीलिया क्या है, आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक जेनेटिक डिजीज़ है, आनुवंशिक क्या है, रोग है, कौन, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, इस बीमारी या इस रोग में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, और लगातार क्या होता रहता है, ब्लीडिंग, लगातार खून निकल के बहता रहता है, तो ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो लगातार जो है जो ब्लीडिंग है वो होती रहेगी, जब भी उसको चोट लगेगी या कभी भी कोई भी इस तरह का उसको उसकी जो ब्लड वेसल से इंजर्ड होगी तो वहाँ पर उसको लगातार फिर जो है ब्लीडिंग होती रहेगी, खून निकल जाएगा सारा बॉडी में से, और अल्टीमेटली क्या होगा, लगातार ब्लीडिंग होने से आगे चलकर क्या हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, हीमोफीलिया के बारे में हो गया। चलिए एक बात, नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या, अब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पे वापस से आते हैं। बेटा समझिएगा कि कुछ पॉइंट्स और हैं, देखिए नोट करिएगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए साइंटिस्ट मैक MAC फरलीन FERLENE, नोट करिए मैक फरलीन का नाम, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए साइंटिस्ट मैक फरलीन ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम लिखिए कैस्केड, CASCADE, कैस्केड थ्योरी, ठीक है ना। मैक फरलीन ने कैस्केड थ्योरी दिया था, ठीक है ना। इस थ्योरी के अनुसार ब्लड क्लॉटिंग
के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए टोटल टोटल कितने फैक्टर? 13 फैक्टर्स। कितने फैक्टर? टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं हमारे अंदर जो ब्लड को जमाने का काम करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए टोटल 13 फैक्टर्स क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक ना। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए टोटल 13 फैक्टर्स क्या करते हैं? भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। टोटल कितने फैक्टर बेटा? 13। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। कैस्केड थ्योरी किसने दी थी? मैकफर्लिन ने दी थी, ब्लड क्लॉटिंग से एसोसिएटेड है। इस थ्योरी में क्या बोला गया था, कितने फैक्टर टोटल भाग लेते हैं खून जमाने के प्रोसेस में? 13 फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड जब तक बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में रहता है, ठीक है, ब्लड जब तक बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में रहता है, तब तक बहता रहता है, मतलब जमता नहीं, हमारे कहने का मतलब है, जब तक बॉडी के अंदर खून रहता है तब तक खून जो है वो जमता नहीं है, हमेशा क्या करता है? बहता रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में एंटीकॉगुलेंट मतलब जो उसको जमने से रोके, एंटीकॉगुलेंट पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? हीपेरिन। बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसे हीपेरिन कहते हैं। ये क्या है? एंटीकॉगुलेंट है, मतलब खून को जमने से, बॉडी के अंदर खून को जमने नहीं देता। क्या नाम है बेटा इसका? हीपेरिन नाम है, नोट करिएगा। हाँ, हीपेरिन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही में चोट लगती है, बॉडी से ब्लड बाहर आता है, तो फिर क्या होता है? लेकिन जब ब्लड क्या होता है? बॉडी से बाहर निकलता है, तो हीपेरिन क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है ना। ब्लड जब तक बॉडी के अंदर रहता है, ब्लड वेसल्स में रहता है, तब तक बहता रहता है, क्योंकि ब्लड में एंटीकॉगुलेंट पाया जाता है जिसको हीपेरिन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया एक क्वेश्चन। अब लेकिन जब ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा तो हीपेरिन क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो यानी कि उसको जमने से रोकने वाला जो एंटीकॉगुलेंट था वो अब डीएक्टिवेट हो गया, तो अब वो जमने का जो उसकी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अब शुरू हो जाएगा, यानी ब्लड जमना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बार नेक्स्ट पॉइंट कि ब्लड को जमने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, आपने सुना होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्लड
क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन विटामिन के आवश्यक है, ज़रूरी है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के आवश्यक है। ये क्या करता है? क्योंकि, नोट करिए, क्योंकि विटामिन के आवश्यक है, क्योंकि विटामिन के प्रोथ्रॉम्बिन, ये भी क्या है? प्रोटीन है, जमानती खून को जमाने के लिए बनती है। प्रोथ्रॉम्बिन के निर्माण, प्रोथ्रॉम्बिन के निर्माण के लिए विटामिन के, प्रोथ्रॉम्बिन के निर्माण के लिए क्या है? आवश्यक है, ज़रूरी है। तो विटामिन के नहीं रहेगा अगर तुम्हारे अंदर, तो प्रोथ्रॉम्बिन जो है वो नहीं बनेगा। प्रोथ्रॉम्बिन नहीं बन पाएगा तो फिर ब्लड जमने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विटामिन के ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन प्रोथ्रॉम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी सारे बच्चे, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखिए, चलिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए दो प्लाज्मा प्रोटीन, देखिए हमारे ब्लड के प्लाज्मा में दो प्रोटीन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। दो प्लाज्मा प्रोटीन महत्वपूर्ण होती हैं। दो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए दो प्लाज्मा प्रोटीन महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी? तो पहली तो हो जाएगी यही प्रोथ्रॉम्बिन, और दूसरी जो हो जाएगी उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। और दोनों कहाँ बनती हैं बेटा? ये दोनों बनती कहाँ हैं? लीवर में। ये दोनों लीवर में बनती हैं। इनका निर्माण जो है, फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। और आकर कहाँ पे पाई जाती हैं? प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो नोट करिए, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों का संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में होता है, ठीक है ना। हाँ, लीवर में होता है, ठीक। अच्छा, तो विटामिन के चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए, अब एक और चीज़ चाहिए, क्या? कैल्शियम आयन्स, क्योंकि विदाउट कैल्शियम की कमी रहेगी तो भी जो है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या? ये लिख लीजिए यहाँ पर आगे कि, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि ब्लड क्लॉटिंग में Ca++ यानी कैल्शियम आयन्स की महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है ना, कैल्शियम आयन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नोट करिए, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन्स की भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैल्शियम आयन भी यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ते हैं इसका प्रोसेस। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस चार स्टेप में पूरा होता है। ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, खून के जमाने का प्रोसेस चार स्टेप में पूरा होता है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, एक एक करके उनको क्लियर करते हैं और समझते चलते हैं। पहला जो है, देखो, जब चार स्टेप में पूरा होता है, जिससे
जिससे चार प्रोडक्ट्स बनते हैं। हर स्टेप में एक प्रोडक्ट बनेगा, हर स्टेप में एक प्रोडक्ट बनेगा जिससे चार प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना। चार प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बनते हैं, क्या क्या बनता है देख लो, 1, 2, 3 और 4। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में चार, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस चार स्टेप्स में पूरा होता है जिससे चार प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। नोट करिए, पहले प्रोडक्ट का नाम नोट करना बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा प्रोडक्ट थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। दूसरा प्रोडक्ट बेटा थ्रोम्बिन। तीसरा फाइब्रिन या FIBRIN। फोर्थ प्रोडक्ट क्लॉट, क्लॉट हो गया। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और एक और प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, क्लॉट, ठीक है। लास्ट में क्लॉट बन जाएगा, मतलब थक्का बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चार स्टेप में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। कितने स्टेप में, चार स्टेप में। और कितने प्रोडक्ट बनते हैं, हर एक स्टेप में एक प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिन, फिर लास्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट का मतलब थक्का बन गया और ब्लड क्या हो गया, जम गया, ठीक है ना। तो क्लॉट के बनने से क्या होता है, ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। नोट कर लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और क्लॉट, ठीक बेटा। चलो अब एक एक करके इनको देख लेते हैं, चारों स्टेप्स आराम से। चलो पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप वन में क्या होगा कि जो जब चोट लगेगी तो क्या होगा, जो आपकी जहाँ घाव आपको होगा, हाँ, वहाँ की जो इंजर्ड या डैमेज्ड ब्लड वेसल्स हैं, समझिएगा, जो डैमेज्ड या इंजर्ड ब्लड वेसल्स हैं, है ना, वो क्या करेंगी, वो रिलीज़ करेंगी, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो फटी हैं, जहाँ से ब्लड निकलना चालू हुआ है, जहाँ पे घाव हुआ है, वहाँ की बात की जा रही है, ठीक है ना। वो ब्लड वेसल्स क्या रिलीज़ करेंगी बेटा, वो रिलीज़ करेंगी एक थ्रोम्बोप्लास्टिन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजर्ड और डैमेज्ड ब्लड वेसल्स से रिलीज़ हो रहा है। क्या रिलीज़ हो रहा है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट, पहला स्टेप, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये एक एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज़ नेसेसरी, ठीक है ना, फॉर एक्टिवेशन ऑफ, एंजाइम का नाम थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। बात समझिएगा, अब देखो ब्लड में एक एंजाइम है, क्या नाम है उसका, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को स्टार्ट करने के लिए, इसको सक्रिय करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए। तो जैसे ही चोट लगी और ब्लड वेसल से, इंजर्ड डैमेज ब्लड वेसल से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, तो उससे क्या होगा, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टेप टू अब क्या होगा बेटा कि थ्रोम्बोकाइनेज ये जो एंजाइम है ये किससे रिएक्ट करेगा, कैल्शियम से। मैंने बताया ना कैल्शियम की ज़रूरत होती है, रिएक्ट विद, यानी कैल्शियम अगर बॉडी में नहीं होगा तो खून जमने में प्रॉब्लम होगी, खून नहीं जमेगा। रिएक्ट विद Ca++ यानी कैल्शियम्स, और क्या करेगा, एंड और ये, और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, चेंज कर देगा। किसको चेंज करेगा, देखिए दो प्रोटीन प्लाज्मा में, एक है प्रोथ्रोम्बिन और एक है फाइब्रिनोजन, है ना।
तो प्लाज्मा में है, तो वो प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में चेंज कर देगा। तो थ्रोम्बोकाइनेज रिएक्ट करेगा किससे, कैल्शियम से, और चेंज कर देगा एंड चेंज्ड और बदल देगा किसको, किस में बदल देगा ये एंजाइम, ये एंजाइम चेंज कर देगा प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में, चेंज कर देगा, ठीक है ना। प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन है ना प्लाज्मा में, लीवर में बनती है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। प्रोथ्रॉम्बिन को चेंज कर देगा इनटू किस में, एक्टिव थ्रॉम्बिन में, उसको सक्रिय कर देगा, और सक्रिय जब वो हो जाएगी प्रोथ्रॉम्बिन तो उसको बोलेंगे थ्रॉम्बिन, क्या बोलेंगे, थ्रॉम्बिन, एक्टिव थ्रॉम्बिन, ठीक है ना, एक्टिव थ्रॉम्बिन, ठीक है ना, एक्टिव थ्रॉम्बिन, THROM, यानी प्रोथ्रॉम्बिन इनएक्टिव है, उसको एक्टिव कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, प्रो हट जाएगा और थ्रॉम्बिन केवल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इनएक्टिव प्रोथ्रॉम्बिन को एक्टिव थ्रॉम्बिन में चेंज किया किसने, थ्रोम्बोकाइनेज ने, कैल्शियम के से रिएक्शन करते हुए। लेकिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम तब एक्टिवेट हुआ जब इंजर्ड और डैमेज ब्लड वेसल से थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल निकला था, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बेटा। अब बेटा स्टेप थ्री नोट करिए, स्टेप थ्री, सारी चीज़ें मन में अच्छे से याद करना है और समझना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन बना है, थ्रोम्बिन समझिएगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन अब चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा किसको, किसको कन्वर्ट कर देगा, जो फाइब्रिनोजन नाम की एक प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था ना, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दो प्रोटीन मैंने बताया था जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लाज्मा में पाई जाती है, लीवर में सिंथेसाइज होती है वही। तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देगा किसको, जो सॉल्यूबल घुलनशील, ठीक है ना, इनएक्टिव, इनएक्टिव वो सॉल्यूबल है, इनएक्टिव है, कौन, फाइब्रिनोजन, समझिएगा बेटा। ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो कैसी है, सॉल्यूबल है, घुलनशील है, और कैसी है, निष्क्रिय है, और इसको चेंज कर देगा किस में, इनटू इनसॉल्यूबल, अघुलनशील और एक्टिव और सक्रिय कर देगा, अघुलनशील सक्रिय फाइब्रिन में। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, समझ में आ रहा होगा, बार बार देखना इसको, बार बार देखना तब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा किसको, घुलनशील निष्क्रिय फाइब्रिनोजन प्रोटीन को जो प्लाज्मा में है उसको चेंज कर देगा अघुलनशील सक्रिय फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या होता है, रेशे जैसी रचनाएं होती हैं, धागे समझ लो बन गए। अब इन्हीं धागों में ब्लड जो सेल्स होती हैं ना, जो मैंने पढ़ाया है प्रीवियस क्लासेस में, RBC WBC, वो सब इन्हीं धागों में क्या हो जाएंगी, अटक जाएंगी, फंस जाएंगी और रुक जाएंगी और क्लॉट बन जाएगा, ठीक है ना। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन है उस फाइब्रिनोजन को चेंज कर देगा किस में, फाइब्रिन में। फाइब्रिन कैसा है, इनसॉल्यूबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सॉल्यूबल है कौन इनसॉल्यूबल है, ध्यान देना, फाइब्रिन इनसॉल्यूबल है और फाइब्रिनोजन कैसा है, सॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल है, ठीक है ना, ये सॉल्यूबल है, याद रखना इस चीज़ को, कौन इनएक्टिव है कौन एक्टिव है, ठीक है ना बेटा। अब बेटा स्टेप नंबर बेटा फोर, स्टेप नंबर फोर, चलिए यहाँ पे देखते हैं नीचे स्टेप फोर, ठीक है, हाँ अब देखें स्टेप फोर में क्या होगा। अब ये जो फाइब्रिन बना है ना, इसी में ब्लड सेल्स आकर फंस जाएंगी, तो लिखिए ब्लड सेल, समझ रहे हैं ना, RBC WBC प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड, फंस जाना, अटक जाएंगी उसी में, ट्रैप्ड, TRAPPED इनटू, ट्रैप्ड इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिन धागे जैसी रचनाएं हैं ना, तो उनमें ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, अटक जाएंगी, तो ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इनटू फाइब्रिन, फुल स्टॉप, और दस इस प्रकार क्या होगा, दस ए डार्क कलर्ड, डार्क मतलब गहरे रंग का
एक क्लॉट बन जाएगा, डार्क कलर्ड CLOT, क्लॉट इज फॉर्म्ड, डार्क कलर्ड क्लॉट इज फॉर्म्ड। अब इस तरह से क्या होगा, क्लॉट जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा, एंड उसी के आगे, एंड ब्लड फ्लो और खून का जो बहना है क्या हो जाएगा, इज चेक्ड, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड उसी के आगे से क्या लिखा, दस ए डार्क कलर्ड क्लॉट इज फॉर्म्ड, क्लॉट बन जाएगा जब फाइब्रिन में ब्लड सेल्स आकर अटक जाएंगी, फंस जाएंगी, तो उस जगह पर एक क्लॉट जैसा, थक्का जैसा दिखाई देगा और इस तरह से क्या होगा, खून बहना जो है वो बंद हो जाएगा। एंड ब्लड फ्लो इज चेक्ड, मतलब रुक जाना, बंद हो जाना, ठीक है ना। इस तरह से खून बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक, अगली बात बेटा क्या, अब ये जितनी चीज़ तुमने अभी को सब समझा, सब सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बताई, सब स्टेप बहुत आसान है, ठीक। इसी को ज़रा सा हम लोग एक बार फ्लो चार्ट से देख लेते हैं, और फ्लो चार्ट से भी इसको देख लेते हैं कैसे होता है ये, ठीक। चलो देखो मैंने क्या बोला था, स्टेप वन में मैंने क्या बोला था, मैंने स्टेप वन में क्या बोला था कि जो डैमेज्ड, बार बार डैमेज्ड या जो इंजर्ड, डैमेज्ड या इंजर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, हाँ, वो क्या रिलीज़ करती हैं, वो क्या रिलीज़ करती हैं, आपको पता है। चलिए, तो डैमेज्ड और इंजर्ड ब्लड वेसल्स जो होती हैं, या जो टिश्यू सेल्स होती हैं, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स और टिश्यू सेल्स भी आप लिखिए, ब्लड वेसल्स कॉमा ऑब्लिक लगा के लिख लीजिए, टिश्यू सेल्स, टिश्यू सेल्स भी लिखिए, इसको ये भी समझिए, टिश्यू सेल्स में ये रिलीज करती हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, सही है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को क्या कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। अब क्या होता था स्टेप टू में, क्या होता था स्टेप टू में, क्या होता था कि ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, ये आगे चलकर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करता था, जो प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है जो प्लाज्मा में है, उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में चेंज करता था। तो अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, ये जो है प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है बेटा, इनएक्टिव है, और इसको चेंज कर देगा किस में, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव है, एक्टिव स्टेट है, और ये कौन कर रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ये कैसे कर रहा है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कर रहा है, Ca++, ठीक है ना, ऐसे लिखें, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम Ca++, कैल्शियम आयन्स की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर रहा है किसमें, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर रहा है थ्रोम्बिन में। ये आपका था क्या था बेटा, स्टेप नंबर सेकंड था, ठीक है ना। थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो है वो आपका अब फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज करेगा, ठीक है ना। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, स्टेप नंबर थ्री क्या करेगा, ये जो फाइब्रिनोजेन नाम की प्रोटीन है, याद है फाइब्रिनोजेन, ये भी लीवर में बनती है, प्लाज्मा में रहती है, और फाइब्रिनोजेन कैसी होती है, फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव है और सॉल्यूबल है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन कैसी है, सॉल्यूबल है, SOLUBLE, सॉल्यूबल है और इनएक्टिव है।
और इसको चेंज कर देगा किसमें, फाइब्रिन में, फाइब्रिन मतलब रेशो में, ठीक है ना। और फाइब्रिन कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है ना। ये कौन करेगा, यही थ्रोम्बिन करेगा, कौन, थ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बिन जो है बेटा, ये थ्रोम्बिन आकर क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजेन को चेंज कर देगा फाइब्रिन में, थ्रोम्बिन आकर फाइब्रिनोजेन को चेंज कर देगा किसमें। चलो ऐसे बना लो, रुक जाओ, ऐसे बना लो, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या है ये, थ्रोम्बिन है ना, तो ये थ्रोम्बिन ने क्या किया, थ्रोम्बिन ने इनएक्टिव सॉल्यूबल फाइब्रिनोजेन को एक्टिव इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, अब तो बन गया बेटा रेशा बन गया ना, अब उसमें क्या होंगे, ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी। तो फाइब्रिन सब क्या हो जाएंगी, फाइब्रिन्स जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगी फाइब्रिन में ब्लड सेल्स, यानी कि जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन जो बना है इसमें आकर जो ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं वो आकर क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, और बन जाएगा कि डार्क कलर स्ट्रक्चर, और उस डार्क कलर स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्लॉट। और जैसे ही क्लॉट बना, थक्का बना, ब्लड फ्लो चेक मतलब ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा, खून बहना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फाइब्रिन के साथ जब सेल्स मिल जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है बेटा। नोट कर लिया आप लोगों ने इस चीज़ को, बढ़िया, तो समझ में आ रहा होगा सब, रिवाइज करिएगा इसको बढ़िया से और नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेहनत करना है, इस पर आपको रिवाइज करना है, ये चीज़ें आप भूल जाओगे, इसलिए नाम थोड़े टिपिकल हैं आप लोगों को लग रहे होंगे, तो इसलिए जो है रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, बार बार रिवीजन करिए, मेहनत करिए और अपने टारगेट की तरफ इसी तरह से लगे रहिए, धीरे 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 करके आप देखेंगे कि आप अपने टारगेट को अचीव भी कर ले जाएंगे एक दिन। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी रखनी है, निरंतरता बनाए रखना है, अभ्यास करना है और चीज़ों को समझना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत ध्यान से, बहुत मन से पढ़ाई करनी है और नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो अगले दिन, और फिर हम लोग जो है इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट अगर हो तो आप मुझसे जुड़े रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और मुझसे अपने जो भी डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।